मैं बता दूं अभी तक शमशान घाट में यहाँ पे सब सब जलाने का उद्घाटन नहीं हुआ है, हम लोगों ने पहली बार उद्घाटन किया है यहाँ पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गोरखपुर की गलियों से। गाइस, आज है खिचड़ी, तो आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाइस, नहाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, लेकिन आज नहाना भी ज़रूरी है क्योंकि खिचड़ी है। मम्मी ने पानी भी गर्म कर रखा है, तो भाई गर्मा गर्म पानी से नहा ही लेते हैं। और जो छछुन्नर का जन्म होता है वो छुड़ाते हैं। मुझे नहाए हुए कम से कम 20 दिन भी हो गया, ठंडी बहुत ही कड़क है। और ये 2 बाल्टी पानी भर रखा है, और ये पानी भी हीट हो रहा है नहाने के लिए। तो नहाते हैं फटाफट गर्म पानी से और मनाते हैं खिचड़ी। और गाइस, नहा धो के रेडी होने के बाद गाइस प्लानिंग भी बनाते हैं कहीं ना कहीं घूमने की और सूट वगैरह करने की। तो मैं चलता हूँ, जल्दी से नहा लेता हूँ और रेडी हो जाता हूँ। तो मैंने 2 बाल्टी पानी को चकमा देके फाइनली मैंने नहा लिया है। और मम्मी बोल रही थी जब तक नहाओगे नहीं तब तक खिचड़ी खाने को मिलेगी नहीं, तो फाइनली गाइस मैंने तो नहा ही लिया है। और ये मैं इंजॉय करने जा रहा हूँ, दही और लजीज खिचड़ी माँ की हाथ की बनी हुई, तो मैं फटाफट से खाता हूँ। गाइस, कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो नल्ले बेरोजगार। भाई, मैं कम्बल तान के सोने जा रहा था, इस ठंडी में कहाँ निकलूँगा मैं। भाई पहुँच गया है लाभ लेने के लिए, आप देख सकते हैं जैसे भाई आया है, लाभ भी ले लिया। मम्मी ने पूछ लिया खिचड़ी और दही भाई खा रहे, कैसा बनाया मम्मी के हाथ का? एक नंबर। मैं भी गाइस एक थाली कम से कम खाया हूँ, तो वही सोचा हूँ आराम कर लूँ, थोड़ा पाचन क्रिया भी हो जाएगा। तो भाई टपक लिया मेरे घर पे। तो निकलते कहाँ निकलना है, कहीं निकलना है? हाँ चलो चला। भाई प्लानिंग बना रहे कहीं की गाइस, तो निकलते हैं बाहर, तो देखते हैं कहाँ की प्लानिंग है। कुछ सूट वगैरह भी हो जाएगा और देखते हैं। गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं शमशान घाट, जहाँ पे हमारी बैकग्राउंड है, यहाँ पे हम लोग रील्स वगैरह स्टोरी वगैरह शूट करते हैं। और गाइस, आज शूट नहीं है, आज एक ही काम है, ठंड से बचने का कार्यक्रम चल रहा है। ये देख सकते हो मेरा दोस्त पियर भाई, ये आग का व्यवस्था कर रहा है। कुछ और भी दोस्त हैं जो लकड़ियाँ बीन के ला रहे हैं। नहीं, आज मेरा शूट है। शूट है वहाँ, भाई की कुछ शूट है, उसको पूरा करूँगा। और ठंडी को भगाने की कोशिश वहाँ पे हो रही है गाइस, हर जगह पे टूर्नामेंट हो रहा है। मैं जूम करके दिखाऊं, क्रिकेट मैच। और अभी तक इस शमशान घाट का सब उद्घाटन नहीं हुआ है, आग से उद्घाटन हो रहा है, जो कि हम लोग आग तापने की यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं। अरे यार, जो भी है जलाओ ना, जो भी है जलाओ। मुर्दा का कपड़ा वो थोड़ी है यार, वो उड़ के आया। दोस्त पियर भाई, आप देख सकते हो गाइस, तो व्यवस्था कर रहा है आग का। हम लोग जो अपने चौराहे पे रहते हैं, मैं अपनी दुकान पे रहता हूँ, तो आग का व्यवस्था हो जाए, लकड़ी का व्यवस्था भाई ही करता है, शिव कुमार भाई साथ में नहीं आ पाया है, भाई के घर पे कुछ फंक्शन पड़ गया, तो भाई उसी में व्यस्त है शिव कुमार भाई। तो गाइस, शाम को भी हम लोगों को भी कहीं जाना है, वो तिलक समारोह में, तो वहाँ का भी गाइस वीडियो बना के दिखाएंगे आपको। तब तक टाइम है, तो यहाँ पे इंजॉय करते हैं नदी के किनारे। गाइस, पहली बार शमशान घाट में हम लोग आग का व्यवस्था किए हैं और आग सेक रहे हैं। मैं बता दूं अभी तक शमशान घाट में यहाँ पे सब जलाने का उद्घाटन नहीं हुआ है, हम लोगों ने पहली बार उद्घाटन किया है यहाँ पे आग का, वो भी हम लोग आग ताप रहे हैं ठंडी से बचने के लिए। गाइस, तो हर साल हम लोग नदी पे आते हैं, पहले बेल फटता था, तो हम लोग आग का व्यवस्था करके बेल खाते थे भूज के, बहुत ही मज़ा आता था। गाइस, उस समय हम लोग बकरी भी चराया करते थे, छोटे छोटे थे तो। हाँ, इस समय बकरी का काम। गाइस, आप देख सकते हो मंदिर में बकरियाँ जो है, दिखा देना एक बार जूम करके वो। ये मेरा दोस्त, आप देख सकते हो, दोस्त को दिखा दो, पियर भाई को। पियर भाई की बकरियाँ हैं जो अभी तक भाई चराता ही है, बोलता है कि बकरी में बहुत ही लाभ है, बकरियों का ये भाई व्यापार भी करता है। और वो सूरज भाई भी आ गए हैं हमारे दोस्त। वहीं पे गाड़ी खड़ी कर दो भाई, वहीं पे गाड़ी खड़ी कर दो, अल्लाह खाली नहीं करेगा। और गाइस, सूरज भाई हमारे आ गए हैं, इनका बहुत दिन से रिक्वेस्ट है। सूरज भाई ने मेरी एक वीडियो देखी थी, स्टोरी टाइप सेट वाला मैंने बनाया था, तो भाई रिक्वेस्ट किया कि लक्ष्मींदर भाई प्लीज़ यार मेरी भी आईफोन से शूट कर दो, कुछ स्टोरी बना दो। तो भाई पर्सनली वीडियो बनाने के लिए दुकान बंद करके आया सूरज भाई। आप देख सकते हो गाड़ी किस तरीके से नीचे उतार रहे हैं शमशान घाट में। तो गाइस, इनकी ख्वाहिश है सैड वीडियो बनाना है, अब क्या इनके दिल में चल रहा है, क्या इनके जहन में चल रहा है, ये सैड वीडियो बनाना चाहते हैं। भाई इस समय सिस्टम चल रहा है गर्लफ्रेंड वाली सिस्टम, वो लड़कियां वाली सिस्टम, तो भाई ये तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं जब पढ़ता था 9वीं 10वीं में, तो थोड़ा गाइस मेरा भी ये मन डोलता था, लेकिन यार इन सब में कुछ है नहीं, मैं बता दूँ तो मैं यही कहूँगा वीडियो के माध्यम से, जितने भी मतलब नए लड़के हैं 25 साल 22 साल मेरी उम्र के,
तो भाई यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ये लौड़िया बाजी पे तो बिल्कुल मत ध्यान दो यार भाई, ना ही सैड वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही हाथ चीरने की जरूरत पड़ेगी, ना ही पियोगे, मस्त बिंदास यार जिंदगी जियो, अकेले सिंगल, शादी तो यार एक नहीं होनी। तो गाइस मैं सबसे पहले इस वीडियो को आप इसलिए करूंगा कि भाई की मैं रील्स बना दूं, कुछ सैड वीडियो बना दूं, दिखा देना भाई को, भाई कितना हंस रहा है। अरे यार शर्मा क्यों रहा है उधर, भाई देख सकते हैं आशिक लग भी रहा है। सूरज भाई सैड वीडियो क्यों बनवाना चाहते हो? सैड वीडियो कहां बनवाना चाहते हो? तो क्या है सिनेमैटिक वीडियो बनाना है, कह रहे थे कि ऐसे चलूंगा फिर एक बार पीछे से लेना है, तो ये सब क्या सैड ही ना। तो गाइस तब तक मैं कैमरा को ऑफ करूंगा, ऑन करूंगा अभी गाइस, दिखाता हूँ भाई को शूट कर दे तब तक, और आग का तो व्यवस्था है ही तो कोई समस्या है नहीं, तो तब तक सूरज भाई की वीडियो शूट कर देते गाइस। भाई की वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया, सूरज भाई बहुत ही खुश है। सूरज भाई कैसा लगा भाई वीडियो बना के? अब ये देख सकते हैं भाई की सूझ भी गंदी हो चुकी है, भाई गिर गए हैं शूट करते करते। और गाइस ये जो आग आप देख रहे हो, कोई भी देखेगा दूर से तो यही सोचेगा कि सब जल रहा है इसमें शमशान घाट में गाइस। तो मैं तो बहुत डर भी रहा हूँ, रात में सपना वगैरह ना आए। ये मैं दूर से दिखा दूँ गाइस, तो आप भी देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि जैसे सब जल रहा हो। ये देख सकते हो गाइस, धुआं ही धुआं हो रहा है। ये मैं नदी के किनारे हूँ और ठंडी गाइस तो यार भाई शिमला वाली पड़ रही है। मैं यही कहूँगा भगवान जी जल्दी से यार इस ठंडी को भगाओ, और ठंडी की वजह से हम लोग शूट नहीं कर पा रहे हैं, धूप हो नहीं रही है, अच्छी वीडियो आ नहीं रही क्लियरिटी वाली। हमने बहुत सोचा है स्टोरी बनाएंगे, मार धाड़ वाला बनाएंगे गाइस। लोकेशन हमने बहुत देखे वहाँ पे पीपा पे उस पार, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है हमारे गांव में वीडियो बनाने के लिए, तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये गाइस शमशान घाट में हम लोग इस समय टाइम पास कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आंश भाई? ठंडी लग रही है। और रविंदर भाई इस समय व्यस्त है गाइस, मैं बता दूँ इसकी शटरिंग की दुकान है, मैं हर ब्लॉग में बताता हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ गाइस कि भाई का प्रचार भी हो जाए, और भाई दबा के खर्च भी करता है जैसे प्रचार करता हूँ। सूरज भाई की वीडियो कंप्लीट हो गई है तो मैं कहूँगा अपनी फल की दुकान पे आप जा सकते हो, है कोई दुकान पे कि दुकान छोड़ के आओ? देख सकते हो गाइस वीडियो का शुरू इतना कि अपने पापा को बैठा के आए वीडियो बनाने के लिए। हंस रहा है सूरज भाई। और हमारे गैंग में गाइस मैं बता दूँ बहुत ही कम आशिक हैं, जो मतलब लड़कियों वड़कियों से ये जो प्यार मोहब्बत वाला जो मैटर, ये बहुत ही कम लगाव है दोस्तों में, तो ऐसे दोस्त मुझे बिल्कुल ही पसंद है। मेरे दोस्त ने कसम खा ली है पियर भाई कि जहाँ भी लकड़ियाँ मिलेगा मैं उसको फूंक दूंगा, क्योंकि घर से माचिस लेकर चला है गाइस। वहाँ पे शमशान घाट के अंदर तो आग जल ही रहा है, भाई ने नदी के किनारे भी आग जला दिया है। अरे यार मान गए यार पियर भाई, ये ठंड को गाइस इसने ठीका ले लिया कि ठंड की माँ बहने कर देगा मेरा दोस्त, और वही कर रहा है गाइस। आज नदी पे एक भी लकड़ियाँ और चीकुर वगैरह कुछ नहीं बचा, और ये देख सकते हो गाइस, वाह 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 भाई वाह, आनंद ही आनंद गाइस, मजा आ रहा है नदी के किनारे। आहा क्या है यार ये ठंड, कहाँ है ठंड गाइस, कोहरा भी चारों तरफ, वाह गाइस। जैसे ही हमने आग की व्यवस्था किया है वैसे ही गाइस जन सैलाब यहाँ पे जुटने की कोशिश, ये देख सकते हैं जुटना स्टार्ट हो गया है, और बंधे पे आप देख सकते हो गाइस यहीं पे लोग आ रहे हैं देख के आग, क्योंकि ठंडी बहुत ही ज़बरदस्त पड़ रही है। और यहाँ से हम लोग निकलेंगे गाइस सीधे घर की तरफ, काफ़ी शाम हो रहा है और डर भी लग रहा है। शमशान घाट पे अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, यहाँ पे बहुत ही कांड हुआ है गाइस, तो कांड का मतलब वही यार मतलब बहुत से यहाँ पे नदी के किनारे लाश को फूंका गया, तो भाई घर के लोग भी बताते हैं कि भूत प्रेत रहते हैं नदी के किनारे। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधे अपने दुकान पे घर की तरफ, दुकान पे नहीं दोस्त शूट करनी है, हाँ अंश भाई की वीडियो शूट करनी है तो हो जाएगा, चलो रास्ते में कर दे रहा हूँ। और हम लोग यहाँ से निकलेंगे गाइस तो लकड़ियाँ लेकर निकलेंगे वहाँ पे जाके आग जलाने के लिए। तो पूरा काम ख़त्म होने के बाद गाइस हम लोग आपसे विदा लेना चाहेंगे, और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही ठंडी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।